हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो फिर आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं सूजी और बेसन के लड्डू। सूजी और बेसन के लड्डू बनाने के लिए आधा कप घी लेंगे। घी को कढ़ाई में डाल देंगे और मेल्ट होने देंगे घी को। बस घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम एक कप सूजी डालेंगे। सूजी को हल्का सा चलाएंगे, घी में इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद एक कप बेसन लेंगे और सूजी और बेसन को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे भूनने में। बेसन हमारा काफी हद तक भुन चुका है तो इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और 2-3 काजू थे जिनको बारीक कट कर लिया था, 2-3 बादाम इनको भी बारीक कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश ली है, किशमिश भी डाल के इसको हम 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे। आप अगर ड्राई फ्रूट्स ना डालना चाहे तो ना डालें, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। बेसन हमारा भुन चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुनगुना रखेंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। इसको किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे। तो बस हमारा जो मिक्सर था वो ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पिसी हुई चीनी ली है। चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, आप चाहें तो बूरा शक्कर भी यूज कर सकते हैं। इसको हल्का सा गुनगुना ही रखेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा नहीं रखेंगे। तभी इसमें हम चीनी को मिक्स कर देंगे, अच्छे से हम मिला लेंगे चीनी को। चीनी हमने मिला लिया, हमें थोड़ा सा घी इसमें कम लग रहा है तो हम इसमें 3 टेबल स्पून घी और डालेंगे, जिससे कि हमारे लड्डू बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो और आसानी से हमारे लड्डू बन जाए। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून घी का यूज किया है। बस हाथों से इससे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम लड्डू बना करके देख लेते हैं। तो हमारे लड्डू बन रहे हैं, बस हाथों को इस तरीके से करते हुए हम गोल शेप में लड्डू अपने बना लेंगे। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लड्डू बनकर हमारा तैयार हुआ है। और इसी तरीके से हम अपने बाकी के लड्डू भी बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सेम प्रोसेस से हम अपने बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। मेरे बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं।